जो अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिवीजनल सदर खालिद खुर्शीद और शम्स लोन की जानिब से जो डोनेशन दी गई थी वो आज जो है यहाँ पर अमादीन ईदगाह और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के सामने अस्पताल के जिम्मेदारान को हवाला कर दिया गया। इस मौके पर जो है अमादीन अस्तोर ने इनकी जो खिदमात है इनको सराहते हुए कहा कि पहली बार किसी ने ये जो तबी आलात का जो इकदाम किया है एक जो काबिल तारीफ है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिवीजनल सदर खालिद खुर्शीद और सीनियर रहनुमा शम्स लोन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर खवातीन वीक गिलगित बल्तिस्तान साजिद सदाकर ने खिताब करते हुए कहा। तो ये आपके एम्बुलेंस में फिट होगा और आपको पूरी वेंटिलेटरी सपोर्ट, फाइनल जो वेंटिलेटर होता है वो सपोर्ट देके आपको गिलगित पहुंचा देगा। तो आपका कोई भी पेशेंट इंशाल्लाह ताला इसकी अदम दस्तियाबी की वजह से एक्सपायर नहीं होगा, बाकी जिंदगी में उतरला क्या। टीआई के डिवीजन के सदर खालिद खुर्शीद साहब का न सिर्फ ईदगाह के अमायदीन, न सिर्फ अवाम ईदगाह बल्कि पूरी अस्तोर की अवाम बोंजी से मिनवरक तक, क्योंकि ये हॉस्पिटल पूरे अस्तोर के लोगों के लिए बना हुआ है, पूरे अस्तोर की कौम की तरफ से इंतहाई हम मशहूर हैं। आपने इस हालात में यहाँ पे इतना सारा जो नीडी सामान था वो लाके दिया। अस्तोर के दो नौजवान शख्सियत, दो लीडर ऐसे हैं जिनको इस मुश्किल वक्त में अपने अस्तोर के दुख दर्द का एहसास हुआ। राशन और रिलीफ के साथ वेंटिलेटर और दिगर हैवी जो सामान यहाँ पे डोनेट किया है अपनी मदद आपके तहत, मैं अपनी तरफ से और अपनी अस्तोरी कौम की तरफ से इन दोनों कायदीन को सलाम अकीदत और खराज तहसीन पेश करती हूँ। एकदम पीक पे ये केसेस आने शुरू हो गए थे, उन्होंने सपोर्ट के लिए भेजा था क्योंकि दियामर में भी आ रहे हैं और अस्तोर में भी, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने भी अपने तय की हुई थी, तो ये हमें एक मतलब प्लस हो गया। हमें अपने बीमार भाइयों के इलाज मुआलजे में कोई कोताही हमसे इन चीज़ों के हवाले से अब कोई वो एक्सक्यूज नहीं रहा।